दोस्तों आज हम बनाएंगे कच्चे आलू से बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसे आप बच्चों के टिफ़िन के लिए बना सकते हैं। है टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम एक आलू लेंगे, इसे धो के छील के इसे कद्दूकस कर लेंगे। ये मैंने कच्चा आलू लिया है। ये देखिए इस तरह से आप इस नाश्ते को बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम एक कप बारीक वाली सूजी डाल देंगे और साथ में डाल देंगे एक कप दही। ये दही मैंने ताज़ा लिया है, उसी से हम एक कप डाल देंगे इसमें पानी। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, सूजी को देख लेते हैं। ये देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ आधा प्याज, डाल देंगे शिमला मिर्च। सब्जियों को आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च, डाल देंगे टमाटर, साथ में ही डाल देंगे हरा धनिया, आधी छोटी चम्मच डाल देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच ही डाल देंगे इसमें चाट मसाला और डाल देंगे नमक। इस नाश्ते में ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं, लेकिन अब अगर आप डालना चाहो तो डाल भी सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को कर देंगे मिक्स। सब्जियों को भी दोस्तों आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसे तवा या पैन में बना सकते हैं। साथ में डाल देंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल और साथ में ही डाल देंगे इसमें कुछ सरसों के दाने और सफ़ेद तिल। इन सब चीज़ों को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था। इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है, हल्का हल्का ही चलाना है, एक सा करना है। आप चाहें तो इसको ढक के भी पका सकते हैं। ये नाश्ता बहुत ही कम ऑयल में बनके तैयार हो जाता है दोस्तों। ये देखिए एक साइड से पक चुका है। अब हम इसे थाली में पलट लेंगे। पलट के फिर से तवा में डाल देंगे। ये देखिए अब हमें इस साइड भी सेक लेना है। ये देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। ये देखिए दोनों साइड से सिक गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा नाश्ता बनके है तैयार। आप चाहें तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं, या तो आप इसके पीस काट सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।